तो वरुण जी, आजकल आप नोएडा में हैं जी सर, आपके माता पिता आपके साथ हैं या वो भी अयोध्या में हैं अभी? सर, मेरे माता पिता अयोध्या में रहते हैं। okay. हम लोग का पैतृक घर वहाँ पे है, वहाँ हमारी जॉइंट फैमिली है। हमारा जो बिजनेस है सर, वो आर्म्स एंड एमिनेशंस का है। oh. तो वो सर पिछले 80 सालों से हमारा बिजनेस रहा है, एंड लाइक ऑल फादर्स वो काफ़ी दूरदर्शी थे, तो वो समझ गए कि आने वाले टाइम में ये बिजनेस में मुझे अपने बेटे को शायद नहीं डालना चाहिए। सो उन्होंने सोचा कि इनको पढ़ने लिखने बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो आर्म्स लाइसेंस है उसको मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। yeah. और आई थिंक ये कहीं ना कहीं सही भी है। एक टाइम होता था सर, इसके मतलब इसके प्लसेस भी थे जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे माता पिता की जब शादी हुई, उनकी भी लव मैरिज थी, तो उनके नक्शे कदम पे हम लोग ने भी लव मैरिज करी। तो उस समय से जब शादियाँ होती थी तो बहुत सारे आर्म्ड गन वाले साथ में चलते थे, तो ऐसा होता था कि भाई बंदूक वाले के घर शादी है या उन्हीं की शादी है। तो ये उस समय बहुत ज्यादा था ट्रेंड में, एंड इट वाज अ स्टेटस सिंबल देन, जो कि अब नहीं है। नॉट अ डाउनफॉल, बट जैसे जैसे दुनिया चेंज होती जा रही है, जैसा कि हम यूएस में देख रहे हैं, आए दिन छोटे प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों के साथ इतना दुखदायी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो आई वुड से दैट ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का। सो वरुण, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। न केवल खतरनाक एक यंत्र हो गया है, लेकिन समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। तो अगर जितने भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी बंदूक है जिसका लाइसेंस नहीं आपके पास, तो आप कानून तोड़ रहे हैं, उसका झट से आप लाइसेंस करवाइए, उसे डिक्लेयर कीजिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है वरुण जी कि जो लोग व्यवसाय करते हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन का, तो बाहर की जनता जो है वो थोड़ी सी डरती है आपसे। जी सर, ऐसा था क्या आपके पिताजी के साथ? जी सर, एग्जैक्टली ये पापा के बिजनेस की वजह से मुझे व्यक्तिगत बहुत लाभ हुए हैं। एक बार सर ये क्लास में ही हुआ था, तो मेरे जो मैथ्स टीचर थे सर, उनकी आदत होती थी जब भी कोई क्वेश्चन पूछते थे और आंसर नहीं पता होता था, तो वो पूछते तुम्हारे पापा क्या करते हैं जी। तो ये उनकी एक आदत थी जी जी। तो वो सर उसके बाद कान मरोड़ देते थे जैसे उन्हीं की प्रॉपर्टी हो। तो वो मेरे पास भी एक दिन आए, उन्होंने कुछ फॉर्मूला पूछा और मैंने गलत दे दिया, और वो ब्लैक बोर्ड से मेरी तरफ आ रहे थे और चार्जिंग, और उन्होंने बस पूछा मुझसे कि क्या करते हैं तुम्हारे पापा जी। मैंने कहा सर आर्म्स एंड एमिनेशंस का बिजनेस है। तो ही वो यहीं रुक गए मतलब, और उनको क्लास में सबने बताया कि ये सच कह रहे हैं। ये उन्होंने पहले पूछा कि प्लास्टिक के खिलौने, वो मतलब हंसे वो जी। तो सबने बताया नहीं, असली रियल गन्स। तो फिर वो पीछे चले गए, और उसके बाद मेरा और उनका कभी सामना नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा फायदा मिला है मुझे सर। ओके सर, ऐसे ही पूछना चाहते हैं सर, आपने कहा था कि आपकी लव मैरिज हुई थी जी सर, तो ये रिश्ता कैसे बना सर? ये सर कॉलेज में मिली थी हमें, एमबीए अच्छा। के दौरान, तो मैं और ये दोनों एमबीए कर रहे थे। ये इनका डोमेन अलग था, इनका फाइनेंस था, मेरा मार्केटिंग था, तो हम पहले साल तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। आपके सामने सर आवाज़ नहीं निकल पा रही, लेकिन कॉलेज के टाइम पे डिबेट्स में मैं हमेशा फर्स्ट आता था, तो इनको पता लग गया था मेरे बारे में, एंड मुझे नहीं पता था। तो एक दिन मिस गॉर्जियस का अवार्ड इन्होंने कॉलेज में जीता। अरे क्या बात है, वाह। तो मैंने जब इनको देखा स्टेज पे, तो मैंने सोचा अगर ये इतनी खूबसूरत है, इनका बॉयफ्रेंड कैसा होगा। तो वहीं पे मैंने गिव अप कर दिया था। तो उसके बाद सर एमबीए में सेकंड फाइनल ईयर में आप एक ही स्ट्रीम में आ जाते हैं, तो हम दोनों एक ही सेक्शन में हो गए थे। फिर इनसे हमारी बातचीत हुई, और इसी तरह सर धीरे धीरे दोस्ती हुई। एंड इनकी एक बात और बताना चाहूँगा, मुझे घर जाके बहुत मार पड़ेगी इस पर। मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उनका अगर बस चलता तो ये इनका बचपन में ही शादी कर देती। तो वो इनका बहुत शादी को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी उनकी बचपन से। इनका बस स्वयंवर नहीं हुआ है सर, बाकी ऑलमोस्ट समझ लीजिए। वेल डन वरुण। इनको एक शिकायत भी है, आई थिंक यही बता दें तो अच्छा ही है। चलेगा जी, कैसे प्रपोजल आया ये, या प्रपोज किया कि नहीं इन्होंने? सर हाँ, फाइनली इन्हें रियलाइज हुआ, और ये भी बहुत स्मार्ट हैं। इन्हें लगा कि मैं ज़्यादा चांस नहीं दूंगा उसको, बाय चांस इसने अपना यू नो चेंज कर लिया माइंड, तो इन्होंने भी रेड लाइट पे प्रपोज किया। और जैसे ही मतलब ग्रीन लाइट होने में 2-3 सेकंड रह गए थे, तभी प्रपोज किया कि जल्दी आंसर दीजिए, नहीं तो कार आ जाएगी। ओके
सर बधाई हो आप दोनों को. थैंक यू सर. और आपका वैवाहिक जीवन जो है इसी तरह हंसी मजाक में आगे भी बढ़ता चले. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.